एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। दोस्तों, सामने आया बिग बॉस सीजन 17 और खतरों के खिलाड़ी का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट। वेल, ये कंटेस्टेंट बनेगा दोनों शोज की जान। ये है टेलीविजन का सबसे कंट्रोवर्शियल एक्टर। हाल ही में ये गया था जेल भी। क्या कुछ होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर टीवी का पटाका की इस रिपोर्ट में। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीवी का पटाका। दोस्तों, शनिवार को होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की। और ऐसे में टीवी का एक ऐसा एक्टर जो कि ना सिर्फ खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनने वाला है, बल्कि बिग बॉस सीजन 17 में भी आपको नजर आने वाला है। वेल, हम आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि ये है टीवी एक्टर शिजान खान। जी हाँ, शिजान खान जो कि हाल ही में तुनिशा शर्मा डेथ केस की वजह से जेल की हवा खाकर आए थे। हालांकि अब इनको बेल तो मिल चुकी है, पर फिर भी केस के चक्कर में इन्हें बार बार कोर्ट जरूर जाना पड़ता है। पर अब ये खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हैं। रियलिटी शो को साइन करने का शिजान का एक ही मकसद था कि वो अपनी इमेज को क्लियर कर सके फैंस के सामने। खबरों की माने तो शिजान ने न सिर्फ खतरों के खिलाड़ी के लिए हामी भरी है, बल्कि बिग बॉस सीजन 17 को भी उन्होंने साइन कर दिया है। वो दोनों शोज का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिससे फैंस के सामने वो अपनी असलियत को, अपनी सच्चाई को रख सकें और ये भी साबित कर सकें कि वो ना सिर्फ खतरों से खेल सकते हैं बल्कि बिग बॉस के घर के अंदर रहकर उस घर के राजा भी बन सकते हैं। शिजान और उसके परिवार ने तुनिशा शर्मा डेथ केस की वजह से काफी कुछ सफर किया था, पर अब लगता है गुड डेज आर बैक फॉर शिजान। शो अलीबाबा से निकाले जाने के बाद ये पहली बार होगा जो शिजान जेल से बाहर आने के बाद करेंगे पर्दे पर वापसी। कितने एक्साइटेड हैं आप, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।